तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें इस वक्त देखिए न्यूज 18 इंडिया पर, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है बड़ी तादाद में। इनमें आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और ये अपना शहर, अपना इलाका छोड़ने को मजबूर हैं क्योंकि हर बीतते दिन के साथ यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। Hello, my name is Asma Shafiq and I'm from Pakistan and I'm really thankful to the embassy of Indian embassy of Kyiv for supporting us all the way here as we were stuck in very difficult situations and also thanking the Prime Minister of India and thank you so much for supporting us and hope we get home safely because of the Indian embassy. तो यूक्रेन के शहरों से पलायन लगातार जारी है जिसके हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग पड़ोसी देशों में शरणार्थी के तौर पर चले गए हैं, अब भी पलायन का ये सिलसिला दिखाई दे रहा है। सुमय शहर का जिक्र करें तो भारतीय छात्रों का जो जत्था है वहां से निकल रहा है। जिस बस से भारतीय छात्र शहर छोड़ रहे हैं उसमें तिरंगा लगा हुआ है। चार तस्वीर इस वक्त आपके सामने जो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से बदतर होते हालात के बीच भारतीय छात्र वतन वापसी करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रूस कि सेना उस बस को निकालने में मदद भी कर रही है। यह हिंदुस्तान की ताकत ही है कि यूक्रेन और रूस दोनों यहां पर मिलकर कम से कम भारतीय छात्रों के प्रति जिस तरह से नरमी बरतते हुए और उनका सहयोग करते हुए भारत सरकार का नजर आता है वो हमारी कामयाबी का संदेश यहां पर देती है। वहीं पोलतावा से भी पलायन जारी है। ट्रेन से छात्र शहर छोड़ रहे हैं, मजबूरी कहिए या फिर जिंदगी को तलाशते हुए वतन वापसी कहिए, यह तस्वीर यहां पर दिखाई देती है। और युद्ध के बीच यूक्रेन छोड़ने के लिए अलग अलग शहरों के रेलवे स्टेशन तस्वीर भी आप देख लीजिए। मारामारी के हालात किस तरह से बने हुए हैं अब आप इसको समझिए क्योंकि ये भीड़ नहीं है, ये दहशत है, खौफ है। दर्दनाक तस्वीर यहां से सामने आती है जब अपना बसा बसाया संसार छोड़कर यहां से लोग जाने को मजबूर है, शरणार्थी के तौर पर पड़ोसी देशों में शरण यहां पर तलाशते हुए नजर आते हैं। जब यूक्रेन के नागरिकों ने रूस के हमलों में कोई कमी नहीं आती देखी तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में वहां दूसरे पड़ोसी देशों की तरफ कुछ इस तरह से रुख कर लिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं, महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा दे। कीव के पास के इलाकों में भी हमले जारी है। रूस के हमले में कई इमारतें जो हैं अब तक तबाह हो चुकी हैं। तबाही का यह सिलसिला अब भी जारी है। लोगों को जान बचाने के लिए बंकर में जाने के लिए कहा है लेकिन जग जाहिर है यह सच कि बंकर भी उस हद तक नहीं है, बंकरों की भी कितनी बड़ी कमी यहां पर है। यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध जारी है उसका 14वां दिन आज है। कीव पर कब्जा करने पर रूस जो है वो आमादा है। रूसी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लाखों सैनिकों ने कीव को घेरा हुआ है। हालांकि यूक्रेन की अपनी रणनीति है जिसके तहत अब तक कीव पर कब्जा पूरी तरह से नहीं हो पाया है लेकिन कीव के पास के इलाकों में किस तरह से यह तबाही दिखाई दे रही है उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। रूस साफ कह चुका है चार शर्तों को मान लीजिए हम युद्ध विराम कर देंगे, युद्धबंदी कर देंगे, युद्ध फौरन रोक दिया जाएगा। यूक्रेन कह चुका है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, इसी तरह से मुंह तोड़ जवाब देंगे। ज़ेलेंस्की कल भी सामने आए, उन्होंने अपनी बात रखते हुए साफ कहा कि मैं कीव में हूं और इसी तरह से यहां पर तब तक रहूंगा जब तक कि यह पूरा युद्ध जो है मैं दोबारा से अपने शहरों को बसा नहीं देता हूं। रूस से भी बेहतर तरीके से